हेलो दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाने आया हूं जो शायद आपके अंदर एक चिंगारी जगा दे। हम सबके सपने होते हैं, है ना? बड़े सपने जो सोचते ही हमारे दिलों को खुशी से भर देते हैं, लेकिन बात यह है कि उन सपनों को हासिल करना आसान नहीं होता। चलो मैं आपको माया के बारे में बताता हूँ। माया एक ऐसी लड़की थी जिसके सपने आसमान छूते थे। वो एक प्रोफेशनल डांसर बनना चाहती थी, लेकिन जिंदगी उसके लिए इसे आसान नहीं बना रही थी। वो एक छोटे से शहर से थी जहां मौके कम थे और लोग अक्सर सपनों का पीछा करना छोड़कर जो सामने था उसी में खुश हो जाते थे। लेकिन माया ने हार नहीं मानी। हर सुबह स्कूल से पहले और हर रात अपने काम खत्म करने के बाद वो प्रैक्टिस करती थी। उसका हर कदम उसके सपने की तरफ एक कदम था। ये आसान नहीं था। कई दिन निराशा से भरे होते थे, कई दिन जब उसका पूरा बदन दुखता था, और कई दिन जब उसके आसपास के लोग उसे छोड़ देने और समझदार बनने के लिए कहते थे। लेकिन जानते हो क्या, माया नाचती रही, विश्वास करती रही। उसका जुनून ही उसका ईंधन था। एक दिन एक मशहूर डांस इंस्ट्रक्टर उसके शहर आया और उसे नाचते हुए देखा। वो बहुत इंप्रेस हुआ। उसने माया को शहर के एक प्रतिष्ठित डांस एकेडमी में स्कॉलरशिप ऑफर कर दी। माया की मेहनत रंग लाई थी। दोस्तों, यह है आपके सपनों पर हार न मानने की ताकत, चाहे वो कितने भी दूर क्यों न लगे। माया की कहानी सिर्फ डांस के बारे में नहीं है, ये विश्वास, मेहनत और उस चीज को हासिल करने के साहस के बारे में है जो आपके दिल को गाने पर मजबूर कर दे। तो आपका सपना क्या है? क्या है जो आपके दिल को जोश से भर देता है? जो भी हो, उसके पीछे भागो, उसे अपनी पूरी ताकत से हासिल करो। माया की तरह बनो, चुनौतियों को खुद को बेहतर बनाने दो, तुम्हें कमजोर नहीं। याद रखो, हर बड़ा सपनेबाज कभी एक ऐसा सपने देखने वाला था जिसने हार न मानने का फैसला किया। इसलिए परफेक्ट पल का इंतजार मत करो, जो पल है उसे उठाओ और उसे परफेक्ट बनाओ। सुनने के लिए शुक्रिया, और याद रखो, तुम्हारे सपने सही हैं और वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, और कौन जाने, शायद एक दिन तुम किसी और के सपनों की यात्रा के लिए प्रेरणा बन जाओ।